राधे राधे सभी को, फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने अभी देखा, पूज्य महाराज जी अभी अभी गाड़ी में बैठ के अपने निवास स्थान को गए हैं। इसके बाद आप भक्तों को देख सकते हैं, आश्रम की तरफ तेजी तेजी से जा रहे हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्त लोग आश्रम की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी भक्तों को टोकन लेना है एकांतिक वार्तालाप का, जो पूज्य महाराज जी आश्रम से निकल जाते हैं इसके बाद मिलना शुरू होता है। तो अभी आश्रम की तो अभी अंदर टोकन के लिए लाइन लगी हुई है एकांतिक वार्तालाप के लिए। तो ये सभी भक्त लोग एकांतिक वार्तालाप टोकन लेने के लिए अंदर जा रहे हैं, जिससे इनको आगे जाने का आगे लाइन में लगने का मौका मिले और ये भी एकांतिक वार्तालाप का टोकन लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्त लोग तेजी तेजी लंबे लंबे कदम रखते हुए आश्रम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर लाइन लगी हुई है। वहाँ पर अगर इनका नंबर आ गया तो इनको भी आज एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल जाएगा। जब आप आश्रम की तरफ जाएंगे तो आपको राइट साइड में जूतों की रैक मिलेगी। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर ही अंदर जाएँ, क्योंकि अंदर इस गेट के अंदर जूते चप्पल पहन के जाना मना है। तो कृपया करके आप जूते चप्पल उतार कर ही अंदर जाएं। तो सामने आप देख सकते हैं भक्तों की लाइन लगी चुकी है एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने के लिए। तो हम आज आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एकांतिक वार्तालाप का टोकन कैसे लें और उसके क्या क्या नियम कानून हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आपने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप के वीडियो तो देखे होंगे। पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त लोग केलीकुंज आश्रम वृंदावन में आते हैं, जिनसे पूज्य महाराज जी एकांतिक वार्तालाप में मिलते हैं। जब आपने एकांतिक वार्तालाप की वीडियो देखी होगी तो आपके मन में भी एकांतिक वार्तालाप में जाने का ख्याल आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे बताएंगे कि एकांतिक वार्तालाप कैसे करें। एकांतिक वार्तालाप के लिए आपके पास कोई अच्छा सा प्रश्न होना चाहिए, जिसका उत्तर आप पूज्य महाराज जी से पूछ सकें या पूज्य महाराज जी से वार्तालाप कर सकें। यह भी ध्यान रखें कि आपका प्रश्न भक्ति भजन या भगवत प्राप्ति से संबंधित होना चाहिए अथवा आप स्वयं से संबंधित होना चाहिए। आपका प्रश्न सांसारिक नहीं होना चाहिए। जब आप अपना प्रश्न लेकर महाराज जी के पास जाएं, तो जाने से पहले आप अपने सवाल को आश्रम के YouTube चैनल पर चेक कर लें कि कहीं वह सवाल पहले किसी ने पूछा है कि नहीं। अगर किसी ने वह सवाल पहले पूछ रखा है तो अपना कोई दूसरा सवाल देखें, क्योंकि पूज्य महाराज जी से नए सवाल ही पूछे जाते हैं। पुराने सवाल के लिए आपको टोकन नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर पुरानी वीडियो देखने के लिए बोल दिया जाएगा। दूसरी बात, आपका सवाल कुछ अलग और यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सवालों के जवाब तो पूज्य महाराज जी के शिष्य दे देते हैं। जब आप अपना प्रश्न लेकर एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने जाएंगे तो वहां आपसे आपका सवाल पूछा जाएगा जो आप पूज्य महाराज जी से पूछना चाहते हैं। अगर उनको लगेगा कि आपका सवाल पूज्य महाराज जी से पूछने योग्य है तभी आपको टोकन मिलेगा, अन्यथा टोकन नहीं मिलेगा। आश्रम में सीमित जगह और पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य देखते हुए कुछ ही लोगों को टोकन मिलता है। अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको टोकन मिल ही जाएगा। एकांतिक वार्तालाप के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा। 1 दिन वार्तालाप का टोकन मिलेगा, उसके अगले दिन ही आपको वार्तालाप में के लिए बुलाया जाएगा। एकांतिक वार्तालाप के लिए सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास टोकन मिलते हैं। टोकन देते समय आपको अगले दिन का टाइम दे दिया जाएगा, कब तथा कैसे आना है इसके बारे में बता दिया जाएगा। फिर उसके अगले ही दिन आप पूज्य महाराज से मिल सकते हैं। टोकन के लिए सुबह 9 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। एकांतिक वार्तालाप टोकन लेने के लिए आप समय से आश्रम पहुँच जाएँ, क्योंकि टोकन सीमित ही मिलते हैं तथा ज़्यादातर भक्त लोग 7 बजे तक आश्रम पहुंच जाते हैं। भक्त लोग जल्दी आश्रम पहुंचकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं और जैसे ही टोकन की लाइन लगती है वो लाइन में लग जाते हैं। आप कोशिश करें कि शनिवार रविवार किसी खास त्यौहार के दिन टोकन लेने के लिए ना जाएँ, क्योंकि उस दिन आश्रम में भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। टोकन सीमित मिलने के कारण भक्तों को टोकन नहीं मिल पाते। टोकन के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड साथ ले जाएं तथा टोकन निःशुल्क मिलता है। टोकन के लिए आप किसी को भी पैसे ना दें। टोकन लेने के बाद आप पूज्य महाराज से मिलने जाएं। टोकन लेने के बाद जब आप पूज्य महाराज से मिलने जाएं, अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने टोकन लिया है एकांतिक वार्तालाप में भी उसी को बैठने दिया जाएगा। टोकन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आश्रम पहुँचकर इंक्वायरी डेस्क पर आप पूछताछ कर सकते हैं। राधे राधे।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, नहीं तो राधे राधे लिखते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।